हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा नाम शबाना के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। इन 12 दिनों में जो कलेक्शन आए हैं उसके बारे में बात करूंगा। जी हाँ, 12 दिन हो चुके हैं और 7 दिनों के बाद जो कलेक्शन था 27 करोड़ था। उसके बाद फिल्म ने 5 करोड़ और जोड़े सेकेंड वीकेंड को। उसके बाद जो मंडे का कलेक्शन था, सेकेंड मंडे का 11वें दिन का, वो था 76 लाख। और अब जो आपके ट्यूजडे का कलेक्शन आया, सेकेंड ट्यूजडे का 12वें दिन का, वह है 70 लाख। इसके साथ ही फिल्म का टोटल होता है 34.01 करोड़, यानी कि 34 करोड़ इस फिल्म ने कमा लिए है। और कहीं ना कहीं इस फिल्म का जो बजट था 25 करोड़ था, जिसमें से 15 करोड़ फिल्म के बनने में लगे थे, वही 10 करोड़ प्रमोशन के हिसाब से लगे थे। तो उस हिसाब से देखें तो फिल्म ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है। एक अच्छा खासा प्रॉफिट फिल्म ने कमा लिया है और देखते हैं कितना आगे तक ये फिल्म जाती है। हाल ही में ये भी खबर आई थी कि मिडिल ईस्ट के सर्किट्स में फिल्म अच्छी चल रही है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी खबर है। और क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों तरह से फिल्म ये अच्छी है। और देखते हैं किस तरह से कलेक्शन अगले दिनों में आते हैं। ये वीक तो ऑलरेडी बस खत्म ही होने वाला है, यानी कि सेकेंड वीक इस फिल्म का 2 दिन बस और बाकी है। और इस 2 दिनों में मुझे लग रहा है जो कलेक्शन आएंगे वो 35 करोड़ तक हो जाएंगे। और बाकी सेकेंड वीक वीकेंड, यानी कि सॉरी थर्ड वीकेंड के लिए अच्छा खासा अगर रहा तो ये फिल्म 40 करोड़ टच कर सकती है। देखते हैं कब ये होता है, क्योंकि लाइफ टाइम एंड मुझे लग रहा है 35 से 40 करोड़ के बीच में ही होगा। कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा फिल्म नहीं जा पाएगी। कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबर पर चाहिए तो आप जरूर बताऊँगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।